आप देख रहे हैं एशियन जर्नल न्यूज और मैं हूं अमित सिंह। जहां पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही थी, वहीं सिवान के बिंदुसार गांव में डीजे बजाने को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि विधि व्यवस्था में पेट्रोलिंग पर निकले एएसपी कांतेश कुमार मिश्रा जब तेज आवाज में बज रहे डीजे को बजाने से मना किया तो शरारती तत्वों ने उनके वाहन पर जमकर पथराव करने लगे। वहीं पुलिस ने बचाव में पथराव कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई और डीजे को जब्त कर थाने ले गए। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सिवान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लगभग 200 की संख्या में फोर्स ले जाकर गांव के निर्दोष और मासूम बच्चे सहित बुजुर्ग महिलाओं को भी बेरहमी से पिटाई कर दी। और पुलिस वहीं तक ना रुकी, घर में भी घुसकर दरवाजे बाइक को तोड़फोड़ कर खूब उत्पात मचाया। इस घटना से डरे और दुखी लोगों ने होली भी नहीं मनाई। वहीं आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि पुलिस ने डीजे सहित दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि लोगों ने झूठा आरोप लगाया है। पुलिस किसी भी निर्दोष पर लाठी नहीं चलाती और किसी भी महिला की पिटाई नहीं की गई है। लेकिन ऐसा माहौल देखा गया वहां पे कि वहां पे लाठी चार्ज की नौबत आ गई। लोग में आक्रोश देखा जा रहा अभी, क्योंकि कल का जो लाठी चार्ज हुआ इसमें काफी लोग जख्मी हैं। अगर बात करें तो यहां पे महिलाएं से लेकर जो बुजुर्ग महिला है वो जख्मी है, बच्चा है वो भी जख्मी है। कल का जो माहौल था वो कैसा, क्या हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल क्या हुआ था, क्या हुआ? हम खाना बना रहे हैं तो बोल रहे हैं आए या बस धराधर लाठी चला दी है, उसलिए हमको न्याय चाहिए। बस न्याय चाहिए? हाँ। महिला पुलिसकर्मी थी क्या यहाँ पे लाठी चार्ज में? नहीं, जेंट्स वाला, खाली जेंट्स थे। कुछ हाँ, बोला गया था उन लोगों की तरफ से कि क्यों लाठी चार्ज हो रहा है? ना, महिला 5-6 लोग आए। बस 5-6 लोग ही थे महिला? चार। और भी यहाँ पे हमारी बुजुर्ग माता जी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था चाची? आए हम मार दे पुलिस वाला लो। हाँ, ठीक है, बहुत सारा खटिए पर मार दे। कहते रे बुड्ढी मार दे। जैसे कि यहाँ पे जो महिला है उनका कहना है कि जब वो घर पे बैठी हुई थी फिर भी जो पुलिस है वो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। अगर देखा जाए तो ये मामला काफी अजीब सा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाठी चार्ज का सामान है वहाँ वो ऐसा माहौल नहीं देखा गया था, लेकिन जो प्रशासन है वो किस तरह से लड़ी। यहाँ पे कुछ बच्चे भी है जिन्हें चोट आई है, उनसे बात करेंगे। बाबू कल कैसे चोट लग गई है? कल आए लोग दर जाके हम घर में बैठे थे, क्या करते स्कूट के शॉट गिरा के अब यहाँ पटक पटक के लाठी मारने लगे। क्या कुछ बोला लो? मोबाइल छीन लिए लो, लेकर भागे गए। कर लो के क्या करे, पटापट मार दिए लो और चले गए लो। यहाँ पे जो बच्चे उनसे एक और भी है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे कैसे चोट लगी? सब बोले ना, यहाँ पे उनको चोटें आई हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे कैसे जो लाठी से बेरहमी से पीटा गया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे चोट लगी है? सर वो लोग बोला कि घर में जाओ, हम लोग जब घर में गए तो जबरदस्ती कमाड़ी तोड़ कर वो आ गए और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, और अधिकतर हमको 50 लाठी तक मारा जा चुका था। यहाँ से लेकर वहाँ तक मंदिर तक मारते गए थे लगातार। आपको यहाँ से घर से लेकर गए थे? जी। अब पूछने पर कुछ नहीं बता रहे थे, पूछने पर बोल रहे थे कि हम लोग अंधा है, पूछने पर मार भी रहे थे उल्टा। हम लोग के हिंदू मुसलमान गए तो कोई बात नहीं, जानते ही नहीं है क्या हुआ। एक बार पुलिस आया और बोला कि कवाड़ी बंद करो, तो हम लोग कवाड़ी बंद कर लिए। उसके बाद कवाड़ी तोड़ करके मारने लगा। ये बच्चा बुखार है, सोया था, 9th क्लास का बच्चा है। हम रोते रह गए, मत मारो, बहुत मार मारे। मामला यही था कि यहाँ से लोग गए थे झुनापुर पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर में तेल डालने के लिए, डीजे उस पर था। उधर से एडिशनल एसपी साहब आ रहे थे, उस डीजे को जब्त किए, डीजे जब्त किए, उसको किसी के हवाले कर दिए कि इसको ले जाओ। बीच रास्ते में लोग आग्रह किया प्रशासन से कि भाई हम डीजे नहीं बजाएंगे, डीजे ले जाकर अपने रख देते हैं, हमारा डीजे छोड़ दीजिए। लोग प्रशासन छोड़ दिया डीजे को, लोग ले जाकर अपने घर उसको डीजे गांव में ले जाकर अपना लोग लगा दिए, डीजे नहीं बज रहा। लोग ऐसे अपना होली मना रहे थे, आप आधा घंटा के बाद उधर से प्रशासन 150-200 फोर्स के साथ आई और एक लाठी चार्ज करने लगी। यहाँ के लोग पूछते रह गए कि सर बात क्या है, हमको बताइए, अपने अधिकारी को बुलाइए, हम बात करेंगे, क्या बात है कि लाठी चार्ज हो रही है।
अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं हुए। यहाँ लोग को घर से घींच कर पीटा गया, मेथी उसके बाद हवाई फायरिंग की गई, अन्य तरह के छोटे बच्चे महिलाओं को इतना पीटा गया कि उसका कोई जवाब नहीं है। या आखिर हम लोग में क्या गलती थी? लाठीचार्ज के बाद क्या क्या नुकसान है? इसके लाठीचार्ज के बाद लोग को हाथ टूटा है, मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ है। जैसे हम नहीं थे, हमारा दो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल से गए थे हम महुआरी, एक मोटरसाइकिल हमारे दरवाजे पर लगी हुई थी, हमारा मोटरसाइकिल तोड़ दिया गया। हमारी पत्नी मुखिया है, बोली कि हमारे मोटरसाइकिल क्यों तोड़ रहे हैं, तो तोड़ दिया गया। हम एक मोटरसाइकिल से अपने घर महुआरी गए थे। ये प्रशासन का ही माने दिक्कत है। अब प्रशासन यहाँ दिन भर कैंप की, यहाँ के लोग होली नहीं मनाए। अगर प्रशासन, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा किसी तरह से, किसी भी बड़े अधिकारी आकर ये नहीं पूछे कि आप लोग होली क्यों नहीं मना रहे हैं, कोई भी बड़े अधिकारी चाहे कोई भी नेता यहाँ आकर नहीं पूछा, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो मीडिया के माध्यम से पूरे पंचायत का हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और लोगों से पूछेंगे, नेता से पूछेंगे, हम लोग कभी भी मतदान का बहिष्कार करेंगे। और रामनवमी आने वाली है, रामनवमी के रामनवमी में भी इस गांव से चाहे पूरे पंचायत से जुलूस नहीं जाएगा। भोर लगे कुछ आके दुआरे घुस गए लोग, तबियत हमार खराब रह लगे, अब बाह मार के बाह नहीं के उठत हमार मार देवे लोग, इतना इतना के हम घर लोग के हम झुकल नहीं, हम लगे खाली लोग आए रहसन घर में केवाड़ी बन को दे रहसन। लोगों का कहना है कि जो प्रशासन है वो बेरहमी से पीट रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो कारण होता है वो कारण नहीं बताया जा रहा था और लोगों में यही आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ अमित सिंह, एसएन न्यूज़, सिवान।